हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूड क्रस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई बनाने जा रहे हैं बेसन की सब्जी, जो कि बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट होगी। इसके आगे आप चिकन मटन खाना भूल जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट होती है। तो एक कटोरी बेसन ले लिया है चाल कर, उसमें डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गर्म मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे और एक कटोरी पानी पहले डालकर अच्छे से एकदम घोल तैयार कर लेंगे। पहले अच्छे से फेंट लेंगे जिससे कि इसमें भी कोई भी लम्स या गिल्टी ना रह जाए। फिर उसके बाद तीन कटोरी और पानी डाल के एकदम पतला सा घोल बनाना है इसका। तो इस तरह से पहले एक एक कटोरी डालकर इसे अच्छे से घोल लिया। अब दो कटोरी एक साथ में ही डाल देंगे और बहुत ही पतला इसका घोल बनाना है। आप पानी चाहे जितना डाल सकते हैं, मतलब पतला घोल बनाना है, इतना आपको पानी डालना है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस पर रखेंगे कढ़ाई। उससे पहले डाल देते हैं थोड़ा सा हींग, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बढ़ जाएगा। बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है, खुशबू पूरे घर में महक जाएगी, इतनी टेस्टी बनती है। अगर घर में हरी सब्जियां नहीं है, जैसे बारिश का टाइम में हरी सब्जियां नहीं ला पा रहे, तो अगर बेसन रखा है तो ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चे हो बड़े हो, हर किसी को पसंद आती है। तो घोल तैयार कर लिया है, कढ़ाई रख दी है गैस पे, उसमें डाला एक चम्मच तेल। तेल डालने के बाद आप कोई भी कढ़ाई में बना सकते हो, ये नहीं कि नॉनस्टिक में ही बनाना है। और उसके बाद ये घोल पूरा इसमें इस तरह से मिक्स करते हुए हमें डाल देना है। तो देखिए कितना पतला ये घोल है, बस इसी तरह से इसको पतला ही घोल इसमें डालना है और इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। और गैस का फ्लेम हाई कर देना है, पहले इसमें एक खोल आने देना है। तो इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। बस घोल डालने के बाद इसे फ्रेंड्स, जब तक ये पक ना जाए तब तक इसे चलाते रहना है। देखिए बहुत जल्दी बेसन है तो बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। तो इस तरह से इसको पकाएंगे और हमको करीब 10 मिनट लग जाएगा इसे पकाने में। तो इसे अच्छे से पहले हलवे की जैसे पकाना है, ये बैटर बिल्कुल बनकर रेडी हो जाए, कढ़ाई छोड़ दे, इस तरह से इसको हमें पकाना है। तो देखिए कितनी जल्दी ये गाढ़ा होने लगा है, किनारे किनारे का छुड़ाते जाएंगे। और इसे पका लिया है 10 मिनट। 10 मिनट बाद एक थाली लेंगे, कोई भी परात थाली कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें आपको इसे जमाना है, मतलब बर्फ़ी जैसा बनाना है। थोड़ा सा डालेंगे तेल, उसे ग्रीस कर लेंगे जिससे कि यह आसानी से निकल जाए। निकल तो वैसे भी जाएगा, मगर अपनी ओर से इसे ग्रीस करके ही डालें, बाई चांस ये चिपके तो। यहाँ पे डाल लेना है ये बैटर और इसे अच्छे से फैला लेना है, खुद ही ये फैल जाएगा, इसे फैलाना इतना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये मोटा घोल बनकर रेडी होता है, मतलब बैटर बनकर रेडी होता है, कढ़ाई भी छोड़ने लगता है। और इस तरह से इसे फैलाते जाना है, तो पूरा बैटर इसी तरह से हमें बना लेना है। और 10 से 15 मिनट काउंटर पर हम इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो मैं 2 थाली में कर ली हूँ और ये देखिए मेरा बैटर ज़्यादा था, 2 थाली में कर लिया, ठंडा हो रहा, तब तक हम ग्रेवी बना लेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई रखी है, उसमें डालेंगे सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच, आधा चम्मच जीरा डालेंगे। और जीरा डालने के बाद जीरा तड़क जाएगा, भुन मतलब फटने लगेगा, तब तक यहाँ पे डालेंगे 2 तेज़पत्ते। तेज़पत्ते डालने के बाद 2 चॉप की हुई प्याज डाल देंगे, मतलब बारीक कटी हुई प्याज डालने के बाद अच्छे से इसको भूनना है, सॉफ्ट करना है। फिर यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और डालने के बाद इसको प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक हमें अच्छे से भूनना है। 2 मिनट प्याज को भून लिया। फिर इसके बाद डालेंगे ड्राई मसाले, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब चीज़ों को 1-1 चम्मच डालना है। हल्दी पाउडर बस यहाँ पे 1/2 चम्मच डालेंगे और उसके बाद इसको कर लेना है मिक्स। यहाँ पे डाल देंगे 2 टमाटर और टमाटर डालने के करना है मिक्स और मसालों को अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, उससे पहले डाल देते हैं ये जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। फिर उसके बाद थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे कि मसालों को हमें करना है अच्छे से भुनाई। यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच से कम काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच, मतलब 1 चम्मच मैंने डाल दिया है क्योंकि सब्ज़ी मेरी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ डालना है कस्तूरी मेथी 1 चम्मच। आपस में सब चीज़ों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ढककर 5 मिनट मसालों को भूनने देना है मीडियम फ्लेम पे। मसाले अच्छे से भून जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, दानेदार हो जाए मसाले, इतनी देर तक भूनना है। तो देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, बिल्कुल दानेदार हो गए हैं। और यहाँ पर कर लेना है इनको अच्छे से मिक्स। अभी कुछ चीज़ें इसमें डालनी है ग्रेवी के लिए, हमें यहाँ पे पानी डालना है। तो मैं 3 ग्लास पानी डालूँगी क्योंकि मेरी जो सब्ज़ी की क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 3 ग्लास पानी डालूँगी।
3 ग्लास पानी डालने के बाद ग्रेवी को हमें 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, 15 से 10 मिनट, जब तक कि ऑयल ग्रेवी में ऊपर ना आ जाए, जो मतलब जो ऑयल है वो ऊपर दिखने लगेगा, इतनी देर तक पकाना है। और ये देखिए ये ठंडे हो गए, हल्के ठंडे हुए हैं, मगर काट लूँगी क्योंकि यहाँ पर ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाली ये रेसिपी बनती है। आप इस तरह से बना कर इसे तवे पे जैसे फ्राई करके आप बच्चों को स्नैक्स के रूप में दे सकते हैं, और जो कि बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो इस तरह से हम बर्फ़ी के पीसेस में इसको काट लेंगे, सारे हमें इसी तरह से कट करके रख लेना है पीस, जब तक 10 से 15 मिनट हमारी ग्रेवी को पकने देना है। ग्रेवी इतनी पकनी है कि इसके बाद ये डालने के बाद सिर्फ हमें 5 मिनट कुक करना है, मतलब 5 मिनट पकाना है, उसके बाद हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हम पीसेस कर लेंगे, इसके पीस करके रख लेंगे जब तक हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाएगी। तो बहुत टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स, तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए कितने इजी तरीके हैं, मतलब हर कोई इसे बना ले जाएगा। तो ये इस तरह से बनकर रेडी होती है, और कितनी सॉफ्ट है कि आप इसे मुंह में डालते हो, मतलब ज़्यादा देर आप पका दिए ना ग्रेवी में तो ये एकदम हलवा हो जाएगी। तो फिर ज़्यादा देर नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट पकाना है। तो इस तरह से हमारी सारी पीसेस रेडी हो गए, तो हम दूसरा वाला भी कट करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे रेडी हो गए। अब यहाँ पे एक साइड हमने रखा है तवा, तवे पे डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल, 1 से 2 चम्मच, और इसी में ही हम सब जितनी भी हमने इसके स्लाइसेस की थी बेसन की, बर्फी जैसे कट किया है, उसे हमें अलग प्लेट के गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर सेक लेना है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से सेकना है, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। सेकने आप बिना सेके हुए भी डाल सकते हैं, बिना सेके हुए भी इसकी सब्जी बनती है, मगर सेकने से स्वाद और बढ़ जाता है। तो इस तरह से अलट पलट करके इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो सारे हम इसी तरह से बना कर, मतलब तल कर रेडी कर लेंगे, फ्राई करेंगे, तलेंगे नहीं। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसे निकाल लेंगे, दूसरा बैच भी इसी तरह से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ग्रेवी को पकते हुए 12 मिनट करीब हो गए हैं, तो आधी हो गई ये ग्रेवी, आप देख सकते हो। तो अब हम सारे पीसेस इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे से 5 मिनट हमें पकाना है। तो इस तरह से हम सारे पीसेस को डाल देते हैं। आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया भी आप यूज़ करिएगा यहाँ पर, मतलब डालिएगा, स्वाद बढ़ जाएगा, और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है। आप इस तरह से एक बार बनाओगे ना, तो आप हमेशा बेसन की सब्ज़ी इसी तरह से बनाकर खाना पसंद करोगे। तो ये इसको कर लेंगे मिक्स, मिक्स करने के बाद इसको हमको ढक देना, ज़्यादा हमें इसे चलाना नहीं है कि उथल पुथल करते जाएं और सब्जियों के जैसे, नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। और इसे 5 मिनट हमें पकाना है, बस टाइम देख के 5 मिनट पका लीजिए, उससे ज़्यादा मत पकाइएगा, नहीं तो ये एकदम घुल जाएगा और हलवे जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए, और ग्रेवी जब हम इसको बंद कर देंगे ना, तो ये ग्रेवी इस तरह से थिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कितनी थिक हो गई, क्योंकि जब बेसन की सब्ज़ी ठंडी होगी ना तो ये और थिक हो जाएगी, इसीलिए मैंने थोड़ी ग्रेवी पे ही रोक दिया था, मतलब बंद कर दिया था। तो यहाँ पे हरा धनिया डाल के इसे सर्व कीजिए, चावल रोटी पराठे किसी के साथ भी खाइए। तो फ्रेंड्स, बेसन की ये सब्ज़ी की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।